हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं शकील और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेलर वेडी में। दोस्तों, क्या आपकी सिलाई मशीन में भी टाँका 5 नंबर पर रखने के बावजूद भी आपकी सिलाई छोटी आ रही है? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। हालाँकि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले भी डाली हुई है, लेकिन उस वीडियो में मैंने फुल शटल अम्ब्रेला मशीन के बारे में बताया था। उसी वीडियो पर हमारे कुछ कमेंट आए हैं कुछ लोगों के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनमें से एक कमेंट था नीना भट्ट जी का, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास छोटी सिलाई मशीन है, यानी कि हाफ शटल सिलाई मशीन है। तो उस बारे में बताने के लिए उन्होंने बोला था, उन्होंने कमेंट किया था। तो नीना जी, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारी सिलाई मशीन में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो दिखा देता हूं। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मैंने ये टाँका जो है 1 नंबर पर रख दिया है सिलाई का टाँका। अभी देखिए, मैं सिलाई कर रहा हूं, मशीन चल रही है, लेकिन ये कपड़ा जो है आगे नहीं सरक रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैंने टाँके को दिया हुआ सीधा 5 नंबर पर कर दिया। ये देखिए, ये 5 नंबर पर मैंने रख दिया। इसको थोड़ा टाइट कर लूँगा। अब हम सिलाई करके देखते हैं हमारा जो सिलाई का टाँका जो है बड़ा हुआ या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई कर रहा हूँ, फिर भी हमारी जो सिलाई मशीन है, कपड़ा है, आगे नहीं सरक रहा है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को साइड में कर लेते हैं अलग, कपड़ा हमारा आगे ही नहीं जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दाती देखनी है। दाती आप देखेंगे तो इतनी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, ताकि इस तरह से अंदर होनी चाहिए। अगर अंदर होती है तो वो दाती का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारी दाती यहाँ से ठीक तरह से है, तो हम दाती को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पीछे हम यहाँ पर इसका जो स्क्रू है उसको खोल कर देख लेते हैं। ये इस प्लेट को हम अलग कर लेंगे। ये पेचकस मैंने ले लिया, इसको सिर्फ थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा नट होता है, उसके लूज़ होने से भी ये प्रॉब्लम आती है हमारी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे ये लूज़ है या नहीं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं। देखिए, ये लूज़ हो गया है नट यहाँ पर, इसलिए हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको किस तरह से टाइट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो रॉड दिख रही है तो उसको ऊपर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ये स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये रॉड ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको रॉड को कर देना है पहले, फिर हमने जो नट देखा था उसको इस तरह से घुमाकर आपको ऊपर कर लेना है। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। ये देखिए, हमने इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है नट को। ये देखिए, सबसे पहले हमने रॉड को ऊपर कर लिया है। अब ये जो नट है हमारा, इसी डायरेक्शन में देखिए, ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से रहना चाहिए, थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं। ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे भी नहीं रखना है, ऊपर भी नहीं, इस तरह से हमें सीधा रखना है बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये रॉड को भी ऊपर की तरफ रख कर हमें टाइट कर लेना है। अच्छे से टाइट कर लेंगे तो प्रॉब्लम होती है फिर से या नहीं होती है हम देख लेंगे। अब ये टाइट हो चुका है। अब इस वाली प्लेट को भी हम इस तरह से घुमाकर इसके नट को भी टाइट कर देते हैं। अब हम चेक करके देखेंगे कि हमारी जो मशीन है वो टाँका बड़ा कर देती है या नहीं। तो यहाँ पर धागा निकल गया है, हम धागा बिठा लेंगे पहले, सुई में भी धागा डालकर हम देख लेते हैं कि हमारी सिलाई बराबर से आ रही है या नहीं। तो ये देखिए, हमने धागा भी डाल लिया। अब हम उसी कपड़े पर सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है 1 नंबर पर टाँका रख दिया है। अब हम सिलाई कर देखते हैं कि कपड़ा आगे बढ़ता है या नहीं और टाँका कितना बड़ा आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो मशीन है वो बनकर रेडी है। अब हम 3 नंबर पर करके देखते हैं और
सिलाई करके देखेंगे। ये देखिए हमारी मशीन बनकर बिल्कुल भी तैयार हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक नंबर वाली है, यहाँ पर तीन नंबर हमने किया है, अब हम रखेंगे पांच नंबर पर रखकर हम देखते हैं कि कितनी बड़ी हमारी सिलाई आ रही है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई बहुत ही बढ़िया आ रही है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ साइड में कर कर कपड़े को। इसको हम साइड में करेंगे कपड़ा, और आप देखेंगे कि सिलाई हमारी बहुत ही बढ़िया आ रही है। देखिए कितना बड़ा हमारा टांका आ रहा है। ये जो ट्रिक है हमारी, ये वर्क कर गई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।